पहले बतानी है वो रिव्यू है आईपी वर्जन 4 का और आईपी वर्जन 6 की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मुझे आपको बाद में बतानी है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन बताने से पहले ना दो तीन बातें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। कॉन्फ़िगर होगा कैसे वो तो शायद हम NMTUI से NMCLI से कर सकते हैं, चाहे वो आईपी वर्जन 4 हो या आईपी वर्जन 6 हो, लेकिन एक चीज जो बहुत ही बेसिक सी है वो हमें पता होनी चाहिए जो कि आईपी वर्जन 4 और वर्जन 6 का डिफरेंस है। तो वो क्या है, मैं उसके लिए एक, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं एक नोटपैड खोल लेता हूं जो कि मैं आमतौर पे बना लेता हूं, लेकिन मेरे पास बना हुआ है तो मैं इसलिए निकाल लेता हूं और पिछले वाले ऑन वायर की भी होगी, ऑन वायर ट्रेनिंग। डॉक्स में गया, यहां पे कहीं नजर आ रहा है भाई आईपी वर्जन 4 और 6 का कोई डिफरेंस नजर आ रहा है, कोई नोटपैड बना हुआ नजर आ रहा है? मेरा ख्याल है मुझे यहां पे नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, दूसरे वाले में निकाल लेते हैं, वरना फिर पूरा जो है ना वो लिखना पड़ेगा। नेटवर्क स्टेप्स क्या चीज है भाई? नहीं, ये वो नहीं है। अरे यार, सेनर्जी SA3 में शायद था वो, यहां पे कहीं नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, पता नहीं उसको, मैंने उसका नाम है सर्च करा देते हैं, IPV4 ये उसमें लिखा हुआ होगा। उसमें पूरा जो है ना वो डिफरेंस लिखा हुआ है, वैसे फिर मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। आईपी वर्जन 4 क्या है, उसके कौन कौन से एड्रेसेस होते हैं, उसके आईपी वर्जन 6 में कौन कौन से एड्रेसेस होते हैं, वो आपको शायद मेरी पॉकेट में नहीं, मेरी सी ड्राइव में भी हो, ट्रेनिंग के अंदर किसी ने किसी को पढ़ाया होगा। आईपी वर्जन 4 ये आ गया, गुड है। PPL की ट्रेनिंग में सही है जी। मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है यहां पे, इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहली बात लिखी हुई है आईपी वर्जन 4। ये बहुत सी बेसिक सी बातें हो सकता है आपको पहले से मालूम भी हो, लेकिन जो है वो हमें आईपी वर्जन 4 को बताने से पहले, आईपी वर्जन 6 को बताने से पहले जो 4 का हम रिव्यू करते हैं उसमें हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहली बात है वो आईपी वर्जन 4 के बारे में लिखा हुआ है, डेसिमल होता है, 32 बिट का एड्रेस होता है, और आईपी वर्जन 6 के बारे में लिखा हुआ है जी हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है और 32 बिट का नहीं होता, 128 बिट का होता है। तो मैं अगर यहां पे उसकी एक एग्जांपल जो है वो नीचे लिख दूं, तो आमतौर पर आईपी वर्जन 4 के एड्रेसेस कैसे होते हैं, 192.168.10.1 इस तरह के एड्रेसेस होते हैं, और आईपी वर्जन 6 का एड्रेस की अगर मैं एग्जाम्पल लिखूंगा तो वो कैसे होते हैं, तो वो मैं यहां पे लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है FD20:, कुछ भी वैल्यू हो सकती है यहां पे, मैं वैसे ही लिख रहा हूं ABCD 1234 1234 1234 0000 0000, कोई भी वैल्यू हो सकती है इसमें। मैंने उस वैल्यू को इस तरह से दे दिया है, तो क्या ये कंप्लीट हो गए या ज्यादा हो गए? आईपी वर्जन 4 के अंदर 32 बिट का एड्रेस होता है, एक जो है वो 8 बिट का होता है, और उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो 32 बिट बन जाते हैं, सही है। और अगर आईपी वर्जन 6 की बात करें तो आईपी वर्जन 6 के अंदर क्या होता है भाई, अब सही है, कितने डिजिट्स होंगे, कितने बिट का एक है, 16 बिट का एक है और मल्टीप्लाई बाय 8 तो is equal to 128 बिट हो जाता है, ठीक है, हो गया हमारे पास 16 बिट का एक है और मल्टीप्लाई करते हैं उसको 8 से तो 128 बिट का एक एड्रेस हो जाता है आईपी वर्जन 6 का। आईपी वर्जन 6 के एड्रेसेस आपको इस तरह के मिलेंगे और आईपी वर्जन 4 के एड्रेसेस आपको किस तरह के मिलेंगे, ये इस तरह के मिलेंगे, एक चीज। दूसरी बात, ये तो मैंने एक आपको
आईपी वर्जन 4 का और आईपी वर्जन 6 के एड्रेस की एक एग्जांपल दी है। मैं एक चीज आपको और बता रहा हूं, आईपी वर्जन 4 के अंदर क्लासेज होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, जो एबीसी हम लोग यूज कर रहे होते हैं। आईपी वर्जन 6 के अंदर क्लासेज नहीं होती, ना क्लास ए होती है, ना क्लास बी होती है, ना क्लास सी होती है। तो हो सकता है कि किसी को ये कंफ्यूजन हो गया क्लासेस क्या होती हैं, तो उसका मैं आंसर क्या दूं भाई? है कोई ऐसा जो बोले मुझे नहीं पता क्लास ए क्या होती है, बी क्या होती है, सी क्या होती है? अगर मैं समझ रहा हूं कि आपको मालूम है। हाँ भाई सही है, सही कह रहा हूं ना, समझ रहा हूं ना मैं, मालूम है आपको, ठीक है। जी जी बिल्कुल। फिर एक चीज जो और इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये क्लासेस की बात अभी दोबारा भी मैं करूंगा। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आईपी वर्जन 4 में जिस एड्रेस को हम कहते हैं पब्लिक एड्रेस, उस एड्रेस को हम आईपी वर्जन 6 में कहते हैं ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस, आईपी वर्जन 4 में जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, उस पब्लिक आईपी एड्रेस के अंदर कौन से नंबर्स होते हैं, वो कहां से शुरू होते हैं, तो वो मैंने यहां पे भी मेंशन कर रखा है और उसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी दे दूं कि आईपी वर्जन 4 के अंदर क्या होता है भाई। एक एड्रेस है जिसे हम कहते हैं पब्लिक और दूसरा है जिसे हम कहते हैं प्राइवेट। ये बनाया किसने, ये सेटअप सारा किया किसने, ये आईना का काम है, इंटरनेशनल असाइन नंबर अथॉरिटी, ये आईना का काम है। आईना ने बताया कुछ नंबर होंगे पब्लिक और कुछ होंगे प्राइवेट, तो जो पब्लिक होंगे उसका और प्राइवेट का क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? मुझे कब अपने सर्वर के ऊपर, अपनी मशीन के ऊपर पब्लिक आईपी चाहिए? इन्होंने कहा जब इंटरनेट एक्सेस करना है, मुझे पब्लिक एड्रेस कब चाहिए अपनी मशीन पे। इसने एक बड़ी प्यारी सी बात की है, इसने कहा है कि जब इंटरनेट चलाना उस वक्त चाहिए। तो इसके जवाब, इसको एक बात दिखाने के लिए सिर्फ मैं यहां पे आया हूं, एक चीज दिखाने के लिए कि मेरी ये जो मशीन है, इस मशीन के ऊपर एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस शो। अगर मैं आपको एड्रेस दिखाऊं तो इसके ऊपर एड्रेस क्या है, 192.168.40.144। ये एक एड्रेस है, कौन सा एड्रेस है? प्राइवेट एड्रेस है। और दूसरा जरा यहां पे एक और चीज देखिएगा, एक और चीज देखिएगा, वैसे ये सही है, ये कमांड भी सही है, ये लिनक्स में मैंने इससे वो पूछा है, ये तो इसके ऊपर लगा हुआ है ना प्राइवेट आईपी एड्रेस, कौन सा, 192 का जो भी लगा हुआ है, 192.168.40.144/24। और जब मैंने इससे ये पूछा लिनक्स की मशीन में बैठ के, व्हाट इज माय आईपी पूछा उससे, क्योंकि देखें ये तो गूगल को पिंग कर रही है ना, pinggoogle.com, ये गूगल को पिंग कर रही है। तो मैंने फिर उससे पूछा, जब ये गूगल को पिंग कर रही है इसका मतलब है कि कोई ना कोई इसको अभी के लिए कोई ना कोई पब्लिक आईपी मिला हुआ होगा। तो अगर आप लिनक्स में कर्ल ifconfig.me लिखे तो इसका मतलब ये होता है कि आप वो जो विंडोज पे करते हैं ना whatismyip.com, तो लिनक्स में whatismyip.com आप इस तरह से करते हैं। तो मेरे पास जो आईपी आ रही है वो क्या आ रही है, आपको नजर आ रही है, उसने दे दी 39.57.153.185। अब ये जो मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस है और ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है, मेरा मतलब ऑन वायर को जो इंटरनेट कनेक्शन मिला हुआ है उसके ऊपर जो इस वक्त पब्लिक आईपी चल रहा है वो ये चल रहा है। तो इसकी और इसकी दरमियान में क्या हो रही है भाई, नेटिंग हो रही है। बात समझ आ गई? हाँ कर लो सवाल, तुम मुझसे नेटवर्किंग के सवाल करोगे? नहीं, ऐसा नहीं, कर दो यार, मैं इसकी लोकेशन बता रहा था।
अगर मैं आईपी डैश पे एस करता हूँ, ठीक है, तो वो जो नेटवर्क स्क्रिप्टर की स्क्रिप्ट से अगर जो लिखी हुई है आईपी लोकल वो दिखा रहा है, लाइक अगर मैं यही पब्लिक आईपी इसको एज ए नेटवर्क पे असाइन करता हूँ, अभी तो ये राउटर से या किसी और थर्ड लेयर थ्री से उठा के ला रहा है मेरे पास, ठीक है, अगर मैं इस अगर मैं यही चीज इसके नेटवर्क पे असाइन कर देता हूँ आईपी, तो तब भी ये if.config.v से उठा लेगा ये चीज या ip-as से ही उठाएगा? इसने बहुत ही प्यारा सा सवाल किया है, सवाल का जवाब मैं देता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ ना वो क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 के अंदर डिफरेंस क्या है, ये बताना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैंने ये कहा कि आईपी वर्जन 4 के अंदर एड्रेस होता है, उसकी टाइप होती है पब्लिक और उसकी टाइप होती है प्राइवेट। किसमें होते हैं ये? आईपी वर्जन 4 में ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं पब्लिक और प्राइवेट। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि पब्लिक में और प्राइवेट में डिफरेंस क्या है। तो पब्लिक एड्रेस वो एड्रेस है कि जो हमें चाहिए होता है दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए, वो पब्लिक एड्रेस है, ठीक है, जो हमें चाहिए। अगर हम दुनिया से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम गूगल को पिंग कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे पास कोई ना कोई पब्लिक आईपी मौजूद है, ठीक है, पब्लिक आईपी मौजूद है। तो हम अगर चेक करना चाहें कि हमारा प्राइवेट आईपी क्या है तो ये हमारा प्राइवेट आईपी था, और अगर हम चेक करना चाहें कि हमारा पब्लिक आईपी क्या है तो ये हमारा पब्लिक आईपी था। ये पब्लिक आईपी हमें इसलिए मिला हुआ है कि हमने इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है किसी से भी। बात जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 200 कंप्यूटर होते हैं और एक पब्लिक आईपी उनको मिला हुआ होता है, वो उन्होंने पीटीसीएल से, मल्टीनेट से, वतीन से, ट्रांसवर्ल्ड से, साइबरनेट से इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ होता है, और उनको उस वक्त को ये पब्लिक आईपी मिला हुआ होता है और उससे वो पूरी कम्युनिकेशन दुनिया भर में कर रहे होते हैं। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात जो इसका सवाल है वो क्या है, मैं ये चाहता हूं कि मुझे पब्लिक आईपी मिल जाए स्टैटिक, हमेशा हमेशा मेरे पास रहने वाला, मेरे सर्वर के ऊपर पब्लिक आईपी लगा हुआ हो, मेरी फायरवॉल पे पब्लिक आईपी लगा हुआ हो। तो आईना ने क्या कहा, आईना ने कहा हम उन तमाम एड्रेसेस को जो आईपी वर्जन 4 में पब्लिक हैं हम उनको सेल करते हैं, वो आपको लेना पड़ेंगे। हो सकता है कोई कंपनी आपको बोले भाई 200 रुपए में देंगे हम एड्रेस, कोई बोले हम आपको 2000 में देंगे, कोई बोले हम 2 लाख में देंगे। तो आईना के वो एड्रेसेस जो पब्लिक एड्रेसेस हैं वो आपको लेके अपने सिस्टम पे सेट करना पड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं, जैसे आपको एक एड्रेस मिला हुआ है ना पब्लिक, और उससे आप दुनिया भर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, गूगल के सर्वर को भी पिंग कर पा रहे हैं, इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि गूगल वाले या दुनिया भर के लोग मेरे सर्वर के ऊपर भी, मेरे सर्वर को भी पिंग कर सकें और मेरा सर्वर पूरी दुनिया से एक्सेसिबल हो, तो आपको फिर ये पब्लिक आईपी चाहिए होगा और ये आप अपने सिस्टम पे सेट कर देंगे, ऐसे जैसे आपने ये प्राइवेट किया हुआ है। और इनका जो सवाल है वो ये है कि इनका सवाल ये है कि अगर मैं ये आईपी परचेज करके आईएसपी से अपने सिस्टम पे लगा लूं तो क्या होगा? तो इफ कन्फिग करेंगे तो भी यही आएगा, कर्ल माइनस इफ कन्फिग करेंगे तो भी यही आएगा, आईपीएएस करेंगे तो भी यही आएगा, क्योंकि वो आपका आईपी स्टैटिक आपके सिस्टम पे लगा हुआ है, सही है, क्योंकि वही तो आपका असल आईपी है। तो आईपी वर्जन 4 में पब्लिक आईपीज वो हैं जो आप आईना से या आईना के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से या आईना के लोकल रिसेलर से, किसी भी आईएसपी से आप परचेज करते हैं, और ये आप परचेज इसलिए करते हैं कि आप ये चाहते हैं कि मेरा ये जो सर्वर है, मैं कराची में हूं, लाहौर में हूं, इस्लामाबाद में हूं, कहीं पे भी हूं, मेरा ये सर्वर मेरे लिए एक्सेसिबल हो और मैं किसी भी इंटरनेट कनेक्शन की कंपनी से कनेक्शन लूं और मैं इसको दुनिया भर से या पाकिस्तान से एक्सेस कर सकूं। तो ये मेरा आईपी वर्जन 4 के अंदर पब्लिक का रोल है। प्राइवेट कौन से एड्रेसेस हैं जो आप अपने, पब्लिक कौन से एड्रेसेस हैं जो आप वैन पे इस्तेमाल कर सकते हैं वैन के ऊपर कम्युनिकेट करने के लिए, वैन वाले आपको, इंटरनेट वाले आपसे कम्युनिकेट करें या आप इंटरनेट से कम्युनिकेट करें, उस एड्रेस को हम जो है वो पब्लिक कह रहे होते हैं। और प्राइवेट कौन सा होता है जो आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, जिसको आप लैन भी बोलते हैं, उस लैन के अंदर इस्तेमाल करते हैं।
ये आईपी वर्जन 4 के अंदर मेन डिफरेंस है पब्लिक का और प्राइवेट का, और उसके अंदर भी मैंने फिर थोड़ा सा जो मैं डिटेल बता सकता था वो मैंने बताई है। इसमें अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछें। जो आईपी वर्जन 6 के अंदर पब्लिक और प्राइवेट का नाम है वो चेंज है। आईपी वर्जन 6 के अंदर वर्ड पब्लिक इस्तेमाल नहीं हो रहा, वर्ड प्राइवेट इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि क्या इस्तेमाल हो रहा है पब्लिक के लिए, क्या इस्तेमाल हो रहा है मैं यहां पे उसको वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं नाम, उन्होंने वर्ड सिर्फ अभी नाम बता रहा हूं, ये तो मैंने पब्लिक प्राइवेट बता दिया, लेकिन जब आप पब्लिक की बात करते हैं, आगे के नंबर्स के बारे में डिस्कशन करूंगा, जब आप पब्लिक की बात करते हैं तो वो कहते हैं आईपी वर्जन 6 के अंदर जो पब्लिक का वर्ड है वो अब इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो क्या हो रहा है ग्लोबल यूनिकास्ट। और जो आईपी वर्जन 6 के अंदर प्राइवेट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है यूनिक लोकल। तो अगर आपको आईपी वर्जन 6 के अंदर कोई एड्रेस, दो मशीनें हैं उनके ऊपर आपको एड्रेस लगाना होगा, तो वो एड्रेस कौन सा होगा जो रेडिट आपको देगा एग्जाम में, वो एड्रेस कौन सा होगा, वो यूनिक लोकल होगा। वो आपको दो मशीनें देंगे उनके ऊपर बोलेंगे ये एड्रेस लगा दें, तो वो एड्रेस कौन सा होगा यूनिक लोकल होगा। अगर आपने आईपी वर्जन 6 से गूगल को पिंग करना है आईपी वर्जन 6 से, क्योंकि आपको मालूम है ना गूगल का तो आईपी वर्जन 6 का भी एड्रेस है, मैं अगर यहां पे ऐसा लिख दूं, कैसा लिखूं, nslookup google.com, अगर मैं यहां पे लिख दूं तो गूगल मुझे nslookup करने पे गूगल मुझे अपना आईपी वर्जन 4 का भी एड्रेस बता रहा है और आईपी वर्जन 6 का भी एड्रेस बता रहा है। ये कौन बता रहा है, कौन बता रहा है, गूगल बता रहा है। और स्टार्ट कहां से हो रहा है, स्टार्ट कहां से हो रहा है 2A00, यही हो रहा है। और उसने बताया क्या हमें, अगर हम वापस उधर चले जाएं तो उसने कहा जितने भी पब्लिक एड्रेसेस स्टार्ट होंगे ना वो होंगे 2000 से, कहां से स्टार्ट होंगे 2000 से और कहां तक जाएंगे 3FF तक, इसकी बात अभी हम फिर दोबारा करेंगे, अभी हम नहीं कर रहे, लेकिन मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए यहां पर मेंशन कर दिया। गूगल कह रहा है मेरा वो एड्रेस जो इससे स्टार्ट होगा वो ग्लोबल यूनिक है, ग्लोबल यूनिकास्ट। और दूसरा उसने क्या लिखा है, यूनिक लोकल के केस में, यूनिक लोकल, यूनिक लोकल का मतलब क्या है भाई, कि मेरा वो एड्रेस जिसको प्राइवेट एड्रेस कहते हैं वो कहां से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट कहां से होगा, आप जितने भी एड्रेस देख लो वो सारे के सारे एड्रेस FD से स्टार्ट होंगे, आगे की वैल्यू XX लिखा हुआ है, इसका मतलब है कुछ भी हो सकती है, आगे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जिस तरह ग्लोबल यूनिक स्टार्ट कहां से हो रहा था 2000 से, और फिर आगे की वैल्यू कह रहा है 3FFF तक जा सकती है। जितने भी एड्रेसेस होंगे आईपी वर्जन 4-6 के पब्लिक एड्रेसेस वो सारे के सारे इसी रेंज के अंदर के होंगे, इससे आगे की रेंज नहीं होगी। मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, मैं अगर मैं यहां पे लिखूं nslookup गूगल ना लिखूं बल्कि मैं लिख दूं यहां पे cyber.net.pk, तो जब मैंने लिखा है तो उसने मुझे कहा कि मैं तो सिर्फ आईपी वर्जन 4 का एड्रेस दे रहा हूं, मैंने कहा multinet.com.pk, ये उनका एक डोमेन है और दूसरा डोमेन भी ट्राई कर लेते हैं multi.net.pk, दे ही नहीं रहा। मैंने कहा किसका दिखाऊं आपको, अरे नहीं नहीं मैं पाकिस्तानी कंपनी का दिखा रहा हूं ना, साइबर का नहीं है ना, अबे यार, अरे मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, एक है कंपनी यार, मैंने पहले भी दिखाया था, चलो खैर अभी मुझे किसका दिखाया था पहले यार, आईपी वर्जन 6 के ऊपर कौन सी कंपनी कम्युनिकेशन कर रही है, पता है कौन सी कर रही है,
पता नहीं मैंने दिखाया था पहले, खैर छोड़ो। मैंने सिंपल कहा एनएस लुकअप, आप किसी का भी एड्रेस देख ले, मैंने facebook.com यहाँ लिख दिया, तो facebook.com का जो एड्रेस आ रहा है ना वो कौन सा आ रहा है, वो स्टार्ट कहां से हो रहा है ये देखिएगा। अगर मैं किसी और का देख लूं, जैसे मैंने यहां पे कह दिया पता नहीं वो .net है ना, .net है ना, NTC का क्या है, हाँ .net.pk, नहीं नहीं डबल डॉट आ गया, .net.org, खैर इसमें भी नहीं आ रहा, तो ये तो कुछ और ही आ गया, खैर तो वो आप देख सकते हैं, किसी का भी आप देख लें, दुनिया में किसी का भी आप एनएस लुकअप कर लें और यहां पे आप जो है वो डोमेन का नाम डाल दें तो आपको उसके अगेंस्ट में क्या मिलेगा, मैंने कहा MI हॉटमेल लिख देता हूं, hotmail.com। हॉटमेल वाले ने तो मुझे कह दिया कि भाई मेरे पास नहीं है, मैंने कहा live.com, मैंने कहा yahoo.com, इन्होंने कहा था, मैंने याहू अभी तक नहीं लिखा। तो आप देखेंगे उसके अंदर जितने भी एड्रेस मिलेंगे आपको, जो उनके पब्लिक आईपी, सॉरी उनके जो, हाँ याद आ गया, उनके जो वो है क्या नाम है, जितने भी उनके आईपी वर्जन 6 के एड्रेसेस हैं वो सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे, वो इससे स्टार्ट हो रहे होंगे 2000 से, और फिर मैक्सिमम एक्चुअली ऐसे तक जाएंगे, वो तभी बारी आई नहीं। और जितने भी लोकल एड्रेसेस होंगे जो आपको मिलेंगे, जो आपकी पूरी बुक के अंदर जहां कहीं भी एड्रेस आईपी वर्जन 6 से कन्फिगर करने की बात होगी, वो आपको FD से स्टार्ट होने वाले मिलेंगे। अच्छा मजीद उसकी तरफ जाने से पहले हमें ये मालूम है कि आईपी वर्जन 4 के अंदर कौन से एड्रेसेस ऐसे होते हैं कि जो जिनको हम कहते हैं जनाब ये पब्लिक एड्रेसेस हैं, जो कहां से स्टार्ट हो रहे होते हैं, 1 से लेकर 223 तक सारे एड्रेसेस सिर्फ कौन से निकाल दें, 4 निकाल दें, जो 10 से स्टार्ट हो रहे हैं, जो 172.16 से स्टार्ट हो रहे हैं और 172.31 तक जा रहे हैं इस रेंज के अंदर, दूसरे 192.168 वाले, 192.166 वाले नहीं, 67 वाले नहीं, 69 वाले नहीं, 192.168 वाले, और उसके अलावा 127.0.0.1 वाले, उसके अलावा 169.254 वाले, उसके बाद आगे के एड्रेसेस जो हैं वो, ये सारे वो एड्रेसेस हैं जो 100 से लेके 223 तक के, इसके बीच में से सिर्फ ये एड्रेसेस की रेंज निकाल दें, इसके अलावा जितने भी एड्रेसेस हैं वो सारे के सारे एड्रेसेस हम कहते हैं कि वो पब्लिक एड्रेसेस हैं और वो आपको अपनी, वो आपको आईना से परचेज करना पड़ते हैं। यहां लिखा हुआ भी है जो पब्लिक एड्रेस है वो 1 से लेके 223 तक है, उसमें से आप प्राइवेट माइनस कर दें कौन कौन से वाले, 10 वाले, 172 वाले, 192 वाले, वो मैंने यहां पे मेंशन किए हैं, और उसी को आईपी वर्जन 6 में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमने उसी के आगे लिखा हुआ है कि वो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी जो है ना वो उसको हम कह रहे होते हैं, ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, ये क्लास सी है, ये वो एड्रेसेस है हमारे पास। जितने भी आपको प्राइवेट एड्रेस मिलेंगे आईपी वर्जन 6 के वो कौन कौन से होंगे, मैं जस्ट आपको यहां पर एक चीज दिखा रहा हूं, मैं मैनुअल में गया हूं, कंट्रोल F किया है मैंने और FD लिखा है और सर्च कर दिया, FD लिख के मैंने सर्च कर दिया, यहां पे मेरे पास एक आईपी वर्जन 6 की एड्रेस एलोकेशन की वो आ गई है, और उसमें भी वो मुझे क्या बता रहा है, वो मुझे बता रहा है यूनिक लोकल एड्रेसेस, यूनिक लोकल एड्रेसेस, और उस यूनिक लोकल एड्रेसेस के आगे उसकी डिटेल भी बता रहा है कि यूनिक लोकल एड्रेसेस ये होते हैं, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस ये होते हैं जो 2000 से शुरू होते हैं, ठीक है, यानी कि आप उसे समझ लेंगे। और उसके बाद फिर मैं दोबारा नेक्स्ट कर रहा हूं तो मेरे सामने कुछ एड्रेसेस आएंगे जो मुझे उसने दिए हुए होंगे कन्फिगर करने के लिए, सही है, ये एक मेरे पास आईपी वर्जन 6 की कन्फिगरिंग की लैब है, जो एड्रेसेस दिया हुआ है वो एड्रेस कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है FDD से,
हर एड्रेस जो आईपी वर्जन 6 के अंदर आप एज अ प्राइवेट एड्रेस यूज करेंगे वो आपको मिलेगा एफडी से स्टार्ट होने वाला। माइक्रोसॉफ्ट में नॉर्मल हमारे सिस्टम के अंदर, हाँ माइक्रोसॉफ्ट में भी ऐसे ही होता है, एक एड्रेस होता है जो मशीन को अलॉट किया जाता है जिसका नाम होता है लूपबैक एड्रेस। लिनक्स में भी होता है, अगर आईपी वर्जन 6 का लूपबैक एड्रेस होगा तो कैसा होगा, :\1/28। अगर आईपी वर्जन 6 में जो ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है वो ये हो गया है, जो यूनिक लोकल है वो ये हो गया है। लूपबैक एड्रेस आईपी वर्जन 6 में भी होता है और वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है, उसको लूपबैक ही कहते हैं, उसका कोई और नाम नहीं है। एक और एड्रेस होता है जो मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है, इसका नाम होता है अपीपा, जो ये रहा लूपबैक, ये रहा अपीपा। अपीपा क्या चीज है, ऑटोमेटिक प्राइवेट एड्रेस, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस अपीपा है, ऐसे ही है ना, सही कह रहे हो। ये बोल रहे हैं अपीपा जो है ना ऑल्टरनेट प्राइवेट आईपी एड्रेस है भाई, ऑटोमेटिक थोड़ी है, कह सकते हैं आप ऑटोमेटिक भी। ये एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है 169.254 से स्टार्ट होता है, और ये कब स्टार्ट होता है, ये कब होता है, जब आप अपनी मशीन को या तो स्टेटिकली ना आईपी दे दें, या आप अपनी मशीन को डीएचसीपी से आईपी दे दें। जब आप डीएचसीपी से भी आईपी नहीं दे रहे, जब आप स्टेटिक भी आईपी नहीं दे रहे, तो फिर सिस्टम जो है ना खुद से एक आईपी जो है वो जनरेट कर लेता है, सिस्टम के अंदर वो जनरेट हो जाती है, उसका नाम है अपीपा और उसका एड्रेस होता है 169.254। तो होगा ही होगा, आगे का नंबर कुछ भी हो सकता है, मैंने वहां पे XX लगा रखा है, उसे कहते हैं अपीपा। अगर आप आईपी वर्जन 6 पे जाएंगे तो उसका नाम है लिंक लोकल, और वो लिंक लोकल जो है वो स्टार्ट होगा FE से, FE80 FE से स्टार्ट होगा। हर मशीन में आपकी लिनक्स की, विंडोज की हर मशीन में ये एड्रेस जो है वो आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि यहां देख लें मेरी मशीन में आईपी एड्रेस शो मैंने किया है और इंटर प्रेस किया है, ENS33 मेरा इंटरफेस है, इसके अंदर आपको ये आईपी वर्जन 6 का एड्रेस मिलेगा, और उसका जो ये स्टार्ट हो रहा है कहां से हो रहा है, FE80 से। ये मेरी लिनक्स की मशीन है। अब मैं जरा विंडोज की मशीन पर चला जाता हूं, विंडोज की मशीन में कैसे देखते हैं भाई, क्या लिखूं यहां पे, IP config /all है ना, कंप्लीट डिटेल आएगी ना, और मैं पाइप लगा के उसको लेस भी कर सकता हूं, या पेज वाइज देखनी तो क्या करूं। मैंने इंटर कर दिया, जब मैंने इंटर कर दिया तो कहीं पे आ रहा है क्या, ये आ रहा, स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये विंडोज की मशीन है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, FE80 से स्टार्ट होने वाले एड्रेसेस को कहते हैं हम लिंक लोकल एड्रेस। और ये लिंक लोकल एड्रेस इसमें क्यों आया है, ये इसमें इसलिए आया है भाई कि मैंने इसका आईपी वर्जन 6 इनेबल कर रखा है, अपनी लिनक्स की मशीन का आईपी वर्जन 6 इनेबल कर रखा है। जब आईपी वर्जन 6 इनेबल होगा, चल रहा होगा आईपी वर्जन 6, तो मेरी मशीन में आईपी वर्जन 6 का एड्रेस मुझे सेट करना चाहिए, मैंने नहीं किया हुआ। मेरी मशीन में अगर मैं सेट नहीं करता हूं तो कोई आईपी वर्जन 6 का DHCP चल रहा हो जो इसको आईपी दे दे, वो भी नहीं मिल रहा, तो फिर क्या होगा भाई, ये अपीपा एड्रेस आईपी वर्जन 4 में और लिंक लोकल एड्रेस आईपी वर्जन 6 में ऑटोमेटिकली इसमें सेट हो जाएगा। डोरा कहते हैं उसको, डोरा फेल हो जाता है तो फिर अपीपा एक्टिव होता है। डोरा अबे यार ऐसी बात नहीं करो यार, ऐसी मुश्किल मुश्किल बातें नहीं करो, ऐसी बातें नहीं करो तुम, मैं पहुंच गया यहां पे भाई, कहां पे पहुंच गया, लग रहा है इसको सही बना दिया इन्होंने आईटी मैनेजर है भाई, इसको बना दिया इन्होंने आईटी मैनेजर, सही लग रहा है बिल्कुल मुझे, खैर अच्छी बात है, बताओ दो कुछ आईपी वर्जन 4 में कुछ क्लासेस होती हैं जो हम लोग यूज नहीं करते, क्लास डी क्लास ई नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते, तो वो मैंने वैसे ही मेंशन कर रखी है, 224 से 239 और 240 से 255। ये नेटवर्क की दो क्लासेस हैं जो कि रिसर्च पर्पस के लिए जो है वो इस्तेमाल होती हैं, और
आमतौर पे हम यूज नहीं करते। एक चीज मैंने यहां पे मेंशन कर रखी है, उसी में से मल्टीकास्ट एड्रेस के नाम से एक एड्रेस मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है। अगर आपकी हो सकता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन ना कर सकूं मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है, फिलहाल ना कर सकूं, मैंने यहां पे लिख दिया है कि अगर आपके पास, अगर आपको कहीं मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करना हो, आमतौर पर हम क्लस्टर की कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपको करना हो और वो आईपी वर्जन 4 का एड्रेस हो, तो वो आईपी वर्जन 4 का एड्रेस कौन सा होगा भाई, 224 से स्टार्ट हो रहा होगा उसकी क्लास डी का, और अगर हम आईपी वर्जन 6 में इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वो क्या होगा, वो स्टार्ट हो रहा होगा डबल एफ से। जिस तरह एफ डी से प्राइवेट एड्रेस इस्तेमाल हो रहे हैं यूनिक लोकल आईपी वर्जन 6 में, एफ ई से इस्तेमाल हो रहे हैं लिंक लोकल, इस तरह मल्टीकास्ट एड्रेस होता है। इतनी सी बात मैंने बताई आपको कि क्लस्टर की कम्युनिकेशन के अंदर ये मल्टीकास्ट एड्रेस इस्तेमाल होते हैं। क्लस्टर की कम्युनिकेशन में जब मल्टी नोड का क्लस्टर होता है तो उसके अंदर जो है वो हम इस इन एड्रेसेस को यूज करते हैं जिनको आप मल्टीकास्ट कहते हैं, सही है जी। और बाकी जो है वो इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, अगर आपको कोई चीज पूछनी है तो आप डिस्कस कर लें और फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फिर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाऊंगा। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, मैंने भी कोशिश की है आसान से अल्फाज में इसको बताने की, तो अगर आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ लें। एक चीज जो नीचे और मेंशन है वो ये है कि आईपी वर्जन 6 के एड्रेस को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए आपके पास ये एक ऑप्शन होता है। जैसे मेरे पास एक एड्रेस है और जो कि वो इस तरह का एड्रेस है जो FD21 से स्टार्ट हुआ और बीच में सारे जीरो ऑप्शन है और फिर आखिर में उसका 1 लिखा हुआ है और उसका /64 के साथ, तो अगर मुझे उसको लिखना है शॉर्ट फॉर्म में तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है। दो दफा कॉलन कॉलन लगाने का मतलब है कि बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी जीरो हैं, तो मैं उसको इस तरह लिख सकता हूं। अगर ये ऐसा होता, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, अगर ये ऐसा होता Ctrl+C Ctrl+V और इसमें ऐसा लिखा हुआ होता यहां पे AC 45, अगर ऐसा लिखा हुआ होता तो मैं इसको कैसे लिखता भाई, मैं इसको ऐसा लिखता FD21:AC45:1 और मैं इसको इस तरह लिख रहा होता। एक दफा यूज होता है, दोबारा नहीं यूज होगा, देख लें यूज हो जाएगा वो कौन सा हाँ लॉजिकल यही है। अच्छा सर वरना उसको कैसे पता चलेगा AC45 कौन से सेगमेंट पे है। हाँ ये सवाल इनका जो है वो इनका इनकी बात जो है ना, चूंकि हम इनको ये जो है वो प्रोग्रामर है इसलिए हम इनकी बात जो है ना वो मान लेते हैं, लेकिन हम आपको लगा के दिखाते हैं भाई। अब मैं आ गया हूं अपने सिस्टम पे, अब मुझे यहां पे कुछ काम करना है, लेकिन देख लें क्या इसमें कोई ऐसी चीज है कि जो मैं अपने पीडीएफ में आ गया और पीडीएफ में आने के बाद मैंने आईपी वर्जन 6 की नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट पे गया और वहां जाके मैंने सर्च कराया क्या ऑप्शन कॉलन कॉलन, कितनी मर्तबा आ रहा है भाई एग्जैक्टली लिखा हुआ है कॉलन कॉलन करके सर्च किया है ना, तो सही लिखा हुआ आ रहा है। भाई पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़े ना क्या लिखा हुआ है, तीसरे वाले हाँ ऐसा कर लें, सही है इनकी बात मान लें, सही है मान लें इनकी बात। हाँ आप तो कर रहे हैं, उन्होंने बोला भाई रिकमेंडेड नहीं है भाई आप ऐसा करें नहीं, कुछ लोग तो 222 की आईपी अपने प्राइवेट नेटवर्क में इस्तेमाल कर लेते हैं। खैर नहीं बेहतर ये कि इन्होंने बात कही है तो हम मान लेते हैं इनकी बात, रिकमेंडेड नहीं है तो आप यूज ना करें तो बेहतर है, हाँ करें करें तो कुछ नहीं होगा। लोग नॉर्मली प्रैक्टिस यही करते हैं, नाराज नहीं
सर पेज नंबर 42 के हिसाब से ये इनवैलिड है सर, पेज नंबर 42 बोल रहे उसमें लिखा हुआ कि अगर दो मरतबा डबल कोलन यूज होगा तो नॉट अ वैलिड आईपी एड्रेस। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पेपर में यूज करना, नहीं नहीं सही कह रहे हैं आप। अच्छा जी, मैं आ गया हूं अपनी इस मशीन पे। आईपी वर्जन 4 को कॉन्फ़िगर करने के दो तरीके हैं मेरे पास, वो कौन कौन से हैं वो देख लें। मेरे पास सबसे पहले कितने आईपी एड्रेसेस हैं, ये हमने कहा था कि पहले वाली बात हम रिवाइज करेंगे, तो कैसे, सॉरी कितने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैं, ये कमांड देख लें, LSPCI पाइप लगा के ग्रैब माइनस आई ईथरनेट। मेरे पास कितने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैं, उसने मुझे कहा कि आपके पास ईथरनेट नेटवर्क कार्ड जो है वो कितने हैं, एक है, एक। मैंने इस मशीन में एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और ऐड कर लिया, सेटिंग में गया और सेटिंग में जाने के बाद नेटवर्क में गया, ऐड के ऑप्शन में गया, वहां से नेटवर्क में गया, नेक्स्ट किया और एक और नेटवर्क कार्ड ऐड कर लिया जिसका नाम है, कोई भी ले सकता हूं, होस्ट ऑनली या नेटिंग, कोई भी ले लिया मैंने, होस्ट ऑनली ले लिया, फिनिश किया, ओके कर दिया। ये इस मशीन में मैंने ऐसा किया है। और इसके बराबर में एक और मशीन है जो सेम ऐसी मशीन है, मैं उसकी भी सेटिंग में गया और उसकी सेटिंग में भी जाके मैंने ऐड किया और उस पर भी मैंने एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ले लिया, वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी मैंने होस्ट ऑन ले लिया और उसको फिनिश कर दिया और ओके कर दिया। ये दो मशीनें हैं जिनके अंदर मैंने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऐड किए हैं। कितने किए हैं, एक एक किया है, एक इस पे कर दिया और एक इस पे कर दिया। अगर आप इसको देखेंगे तो रूट से आप लॉग इन करें, रेडिट में जाएं, LSPCI की कमांड लिखें, ग्रैप माइनस आई ईथरनेट लिखें, वो आपको बता देगा दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऐड कर दिए। ये सबसे पहली चीज है। ये जो इंटरफेस कार्ड मैंने ऐड किया है, इस इंटरफेस कार्ड के ऊपर मैं आईपी वर्जन 4 का एड्रेस भी लगाऊंगा, आईपी वर्जन 6 का भी एड्रेस लगाऊंगा, दोनों एड्रेसेस लगाऊंगा और जो मेरे पास पहले से इंटरफेस मौजूद है मैं कोशिश करूंगा उसको डिस्टर्ब ना करूं और फिर दोनों की कम्युनिकेशन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहली चीज जो मुझे यहां पे करना है इंटरफेस ऐड करने के बाद, वो मेरी कमांड देखें, NMCLI डिवाइस स्टेटस। इस वक्त मेरे पास डिवाइस का, इस डिवाइस का स्टेटस क्या है, तो उसने मुझे बताया है कि ENS37 आपका दूसरा ईथरनेट कार्ड है और उसका स्टेटस क्या लिखा हुआ है, डिसकनेक्टेड। जाहिर है ये अभी आपने सिर्फ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अपने सिस्टम में लगाया है, दूसरे वाले सिस्टम में गया, सेम उसका भी ऐसा ही आना चाहिए, NMCLI डिवाइस का स्टेटस क्या है, तो उसमें तो दोनों लिखे जा रहे हैं डिस्कनेक्टेड, उसमें लिखा हुआ है दोनों ही डिस्कनेक्टेड हैं, दोनों ही कनेक्टेड नहीं है। और इस वाली मशीन में जो लिखा हुआ है वो किसका आ रहा है, एक का आ रहा है डिस्कनेक्टेड। अब ये जो डिस्कनेक्टेड वाली बात है ना, मैं यहां पे ये सोच रहा हूं कि यार केबल में अपने हाथ से खुद डेटा सेंटर में सर्वर में और स्विच में लगा के आया हूं, जब यहां आके देख रहा हूं तो ये कह रहा है डिस्कनेक्टेड, क्यों भाई ऐसा क्यों। तो मेरे जहन में फौरन एक कमांड आई जो ये बताती है कि क्या आपका ENS37 पे आपने केबल लगाई है या नहीं लगाई। तो जब मैंने केबल लगाई तो क्या मैसेज आया, जरा देखिएगा, ईथ टूल की कमांड लिखी तो क्या लिखा आया, क्या लिखा आया भाई, लिंक डिटेक्टेड यस। इसका मतलब यह है, आप इस कमांड को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ही आपको यह मिला आप फौरन से इस कमांड को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिंक, तो उसने आपको बता दिया लिंक डिटेक्टेड यस। इसका मतलब है केबल 100% लगी हुई है, अगर केबल नहीं लगी हुई होगी तो लिंक डिटेक्टेड यस नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अभी उसको उसकी केबल हटाता हूं वहां से, केबल कैसे हटती है भाई, सेटिंग में गया और यहां से उसको कनेक्टेड से चेक हटा दिया, ओके कर दिया। अब देखें जरा रिजल्ट क्या आ रहा है, लिंक डिटेक्टेड क्या आ रहा है भाई, नो, तो वापस चला गया और लिंक डिटेक्टेड को मैंने यस कर दिया, कनेक्टेड कर दिया और लिंक डिटेक्टेड यस हो गया, लिंक डिटेक्टेड यस हो गया। लेकिन जब लिंक डिटेक्टेड तो यस हो गया, आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि जब मेरी केबल लगी हुई है,
और लिंक डिटेक्टेड यस आ रहा है तो यहां पे NMCLI डिवाइस के स्टेटस में क्यों डिस्कनेक्टेड आ रहा है, इसका क्या रीजन है? एक तरफ मुझे बोल रहा है केबिल लगी हुई है और दूसरी तरफ जब मैं डिवाइस का स्टेटस लेता हूं तो मुझे कहता है डिस्कनेक्टेड है, इसका क्या रीजन है? इसका एक रीजन है नेटवर्क तो लगा हुआ है, केबिल भी लगी हुई है, लाइटें भी ब्लिंक कर रही हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कनेक्शन बना हुआ नहीं है, उसके ऊपर कोई प्रोफाइल बनी हुई नहीं है, उसके ऊपर कोई आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई भी। अगर वो हो जाएगी तो यहां पे लिंक डिटेक्टेड जो है वो यस के साथ साथ यहां पर भी कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा होगा, यानी कि मैं अगर उसकी आईपी सेट कर दूं, मैं उसका कनेक्शन बना दूं, तो जैसे ही कनेक्शन बनेगा ये भी यहां पे ग्रीन हो जाएगा। तो जब भी आप कोई नेटवर्क कार्ड कनेक्ट करते हैं उसके ऊपर आईपी लगाना तो दूर की बात है कि आईपी कौन सी लगी हुई है कौन सी नहीं लगी हुई, जब आप उसमें केबल लगा देते हैं तो ये कमांड आपको बताती है कि लिंक लग गया है, और ये कमांड आपको बता रही होती है कि जनाब वो डिस्कनेक्टेड है। तो अगर मैं चाहता हूं कि उसको डिस्कनेक्टेड से हटाऊं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहां पे एक कमांड लिखी है NMCLI कनेक्शन शो, तो इसमें मुझे इस डिवाइस के साथ तो कनेक्शन बना हुआ मिल रहा है, लेकिन इस डिवाइस के साथ तो कनेक्शन बना हुआ मिल रहा है लेकिन ENS 37 के साथ कनेक्शन बना हुआ नहीं मिल रहा। तो ENS 37 के साथ कनेक्शन कैसे बनेगा, मैंने यहां पे कमांड लिखी है NMCLI, स्क्रीन को क्लियर करके लिख रहा हूं, NMCLI कनेक्शन ऐड करो, कनेक्शन का नाम क्या होगा यह अब मेरी मर्जी है, मैं उसका नाम कैसा रखूं, मैंने नाम रख दिया LAN, कुछ भी नाम रख सकता हूं। इंटरफेस का नाम क्या होगा जो उसके साथ एसोसिएटेड होगा, ENS 37। टाइप क्या होगी, ईथरनेट। ये वो तीन चीजें हैं जो मुझे इनिशियली बतानी है, कौन कौन सी तीन चीजें, कनेक्शन ऐड करो, कनेक्शन का नाम बताना है, आपकी मर्जी आप कोई भी नाम रखें, मैं एक कनेक्शन का नाम लैन रख दूं और दूसरे का नाम वैन रख दूं, ये मैं कर सकता हूं। इंटरफेस का नाम बताना है कि बैकएंड पे उसके उस कनेक्शन के साथ कौन सा इंटरफेस कनेक्टेड होगा एसोसिएट होगा, और तीसरी चीज जो मुझे बतानी है वो बतानी है मुझे उसकी टाइप। ये तीन बातें हैं, तीन चीजें हैं जो मैंने बताई और ये कनेक्शन क्रिएट हो गया। ये कनेक्शन जैसे क्रिएट होगा इस कनेक्शन के आपको यहां पे देखें आपके सामने कैसा हो गया, लैन के नाम से एक कनेक्शन बन गया, शो में आ रहा है पहले नहीं आ रहा था, और यहां पे भी आप देख सकते हैं यहां पे भी कैसा हो गया, सिर्फ आपने कौन सी कमांड लिखी है, ये वाली कमांड। जब भी आप कोई नया इंटरफेस बनाएंगे तो आपको ये कमांड लिखनी होगी। ये जो कमांड हमने यहां पे यूज की है ये हम दूसरी मशीन में यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम एक दूसरा मेथड यूज करेंगे। या अगर मैं आपको यही दिखाना चाहूं तो मैंने इस कनेक्शन को डिलीट कर दिया जिस कनेक्शन का नाम लैन था, और अब देखें दूसरी कंडीशन फिर देखें, डिलीट कर दिया, जब ये कनेक्शन डिलीट हो गया सक्सेसफुली तो फिर मैं वो सेम सिचुएशन पे आ जाऊंगा। कौन सी सेम सिचुएशन, NMCLI कनेक्शन शो में मेरा कनेक्शन नहीं आएगा और डिवाइस स्टेटस में मेरा कैसा आ रहा होगा ये आप देख लें, क्योंकि मैंने वो कनेक्शन जो बनाया था उस कनेक्शन को मैंने डिलीट कर दिया खुद से। ये कनेक्शन बैकएंड पे करता क्या है, ये कमांड क्या करती है बैकएंड पे, ये वो फाइल जनरेट करती है कहां पे, यहां देखिएगा जरा किस लोकेशन पे, CD/ETC सिस्कन्फिग नेटवर्क स्क्रिप्ट, यहां पे गए और यहां पर ये ऐसी फाइल जनरेट कर देती है। देखें मैं अभी ये आपके सामने है, यहां पे क्या लिखा हुआ रहा है, ईथरनेट डिस्कनेक्टेड लिखा हुआ रहा है ना, ये लिखा हुआ रहा है। मैं यहां चला गया और मैंने यहां जाके कहा CP इफ CFG इसकी कॉपी बना लो ENS 33 की, इफ CFG ENS 37 इसको बना दो, इंटर कर दो, और फिर उसमें जाके जाहिर है कुछ चेंजेस चेंज करना पड़ेंगी। तो मैं चला गया उसमें और मैंने वहां जाके क्या क्या चेंज किया, ये सब कुछ सही है, इसमें कोई चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ उसका नाम चेंज किया 37 कर दिया, उसका UUID चेंज कर दिया, UUID हटाई दिया, खुद से UUID जनरेट भी कर सकता हूं,
डिवाइस का नाम चेंज कर दिया, जो चीज मुझे आती थी चेंज करना, क्या हो गया, जो चीज मुझे चेंज करना आती थी वो मैंने कर दी, और उसके बाद डिवाइस का नाम और उसका नाम चेंज किया, उसका एक जोन सेट हुआ हुआ है, मैंने कहा उसकी जरूरत चेंज कर देंगे बाद में, अभी उसको WQ से सेव कर दो। क्या चेंज किया भाई, इस फाइल में आके नई फाइल बनाई थी उसमें आके उसका नाम और उसकी डिवाइस का नाम चेंज किया है, बाकी कुछ चेंज नहीं किया, इसको सेव करके बाहर आ गया, और सेव करके जब बाहर आ गया तो यहां पे आके फिर वेरीफाई करता हूं, यहां पे क्या स्टेटस है चेक करते हैं, अभी भी डिस्कनेक्टेड आ रहा है। जब आप किसी भी काम को मैन्युअली करते हैं तो आपको यहां पे आके क्या करना पड़ेगा, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट नेटवर्क या नेटवर्क मैनेजर, ये स्टार्ट कर दी, और उसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने नेटवर्क की सर्विस को रीस्टार्ट कर दिया। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब मैं यहां जाके ये मालूम करूंगा तो उसका स्टेटस क्या होना चाहिए, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, देखें क्या स्टेटस आ रहा है। मैंने क्या किया, मैंने वो इफ सीएफजी वाली फाइल आपके सामने है ना, यहां से कॉपी की, कॉपी करके मैंने बना ली, और उसमें जो चेंज करना था क्या चेंज किया भाई, नाम चेंज कर दिया, और क्या चेंज किया, डिवाइस का नाम चेंज किया, और उसकी यूयूआईडी डिलीट कर दी। लिनक्स में अगर आपको यूयूआईडी की जरूरत है तो यूयूआईडी आप ऐसे जनरेट कर सकते हैं, किस चीज की जनरेट करनी है, मैंने किस चीज की जनरेट करनी है, ENS 37 की जनरेट करनी है। अब मुझे मालूम नहीं कि ENS 37 की यूयूआईडी कैसे जनरेट करते हैं, ऐसे ही मैंने लिखा, मैंने कहा यार अगर मैं इसके सामने ऐसे लिख दूं तो कुछ होगा, ENS 37 कुछ ऐसा होगा, उसने लाया ऐसा हो गया। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, ये यूयूआईडी जो तुमने जनरेट कर दी ENS 37 की, अब इसको तुम भेज दो उस वाली फाइल में। सर इसने अभी तक भेजी नहीं होगी क्या, जो आपने सेव करके बाहर आया था, ऑटो जनरेट नहीं की होगी, ऑटो क्यों जनरेट करेगा, ऑटो क्यों जनरेट करेगा भाई, सिस कन्फिग ये कह रहा है उसने ऑटो जनरेट नहीं की होगी, तो ऑटो जनरेट करके फाइल में डाल देगा क्या, चेक कर लेते हैं भाई इसकी बात को, मान इसकी बात हमें जो है वो थोड़ी सी लग रही है, वजह नहीं इसकी बात में भाई। मैंने कहा VI if CFG ENS 37 में चले जाओ, एंटर करो, जब मैं जाके देख रहा हूं तो यहां पे कहीं पे आ रही है भाई नजर, इस फाइल में एडिटिंग तो सिर्फ उस सूरत में होती है जब हम, हाँ अब उसने नहीं डाली हुई, मैं आया यहां पे, मैंने कहा UUID जेन करो, और UUID जनरेट किसकी करो भाई, ENS 37 की जनरेट करो, और वो जो भी जनरेट हो उसको भेज देना कहां पे, ETC में, सिस कन्फिग में, नेटवर्क डैश स्क्रिप्ट्स में, स्क्रिप्ट है ना SV लगा है ना, और उसके अंदर इफ CFG डैश ENS 37 वाली फाइल के अंदर भेज देना। ये भेज दिया, अब जाके मैं उसको VI करके या CAT करके देख रहा हूं क्या वहां पे पहुंच गई है, देख लेते हैं, VI करके ही जाना पड़ेगा, क्या वहां पे पहुंच गई है, हाँ जी वहां पे पहुंच गई है, तो वहां पे क्या करेंगे भाई, UUID लिखा = किया और मेरा काम हो गया, मैंने इसको सेव कर दिया। अगर जरूरत है तो, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है तो कोई मसला नहीं है। मैं आया यहां पे, मैंने कहा यार ये काम जो मैंने किया ये सही किया या गलत किया है, नहीं सॉरी यहां पे कहां आ रहा हूं मैं, गूगल बाबा की तरफ जाने की क्या जरूरत है, मैंने कहा मैन UUID GEN जेन, इसका मैनुअल दो जरा मुझे कि मुझे UUID जनरेट करनी है क्या तरीका होता है उसका, और अगर मुझे ईथरनेट की करनी है तो उसका क्या तरीका होता है। अरे तो वो आ गया, चलो मैंने कहा मुझे पेज नंबर 1 पे पहुंचा दो, शुरू से देखता हूं मैं, मैन UUID जनरेट करने का ऑप्शन कहीं पे आ रहा है, कह रहा है भाई सिंपल UUID जनरेट हो जाती है, लेकिन इसमें यह कहीं लिखा हुआ नहीं आ रहा कि आपको किस चीज की करनी है तो आप कैसे करेंगे, बस वो तो कह रहा है भाई मैं UUID जनरेट कर देता हूं, यहां पे तो आ नहीं रहा, तो मैं गया और मैंने कहा कि भाई मुझे क्या करना है, एक मिनट, एक हाँ लिखा हुआ था तो आ रहा है, डिवाइस
इतना इतना कहाँ पे लिखा हुआ है? माइनस टी टी की डिटेल में क्या लिखा हुआ है? वो तो वो बता रहा है, क्या नाम है, वो कह रहा है हार्डवेयर एड्रेस यार जोड़ के बनाता है। तो मैंने यहाँ पे जाके फाइल में देखा क्या मेरा हार्डवेयर एड्रेस और ये मैच कर रहा है। चेक कर लेते हैं, ग्रैप यूयूआईडी, ये मेरा इस इंटरफेस का यूयूआईडी है और इसका मैक एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस, ऐसे नहीं आएगा, आईपी लिंक शो अभी आ जाएगा ENS 37 का मैक एड्रेस। और वो कहीं मैच कर रहा है उसमें, कहीं आ रही है मैक एड्रेस के अंदर? ये कहना चाह रहा है इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कोई मैक एड्रेस आ रहा हो, मैक एड्रेस का कोई पोर्शन आ रहा हो, ऐसा कहीं पे है? अच्छा चलें खैर वो देख लेंगे। वैसे ये तरीका है ना, मैंने जनरेट कर दिया है और ये हो गया है। अब मेरे पास एक ऑप्शन है जो मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। वेरीफाई कैसे वेरीफाई करूंगा? मैंने सीपी किया इसी इफ सीएफजी ईएनएस 37 वाली फाइल को सीपी करके अपने ही सिस्टम में रख लिया। किस नाम से? जरा देखिएगा किस नाम से रखा है, ओल्ड करके रख लिया, सीपी करके ओल्ड, और मैंने इसको रिमूव कर दिया। जब ये रिमूव हो गई तो इसका मतलब है अब मेरे पास NMCLI कनेक्शन को शो करूंगा। तो अभी तो आ रहा है, लेकिन अगर मैं सिस्टम को रिबूट कर दूं, रीस्टार्ट कर दूं, तो क्या होगा? फिर चला जाएगा। रीस्टार्ट नेटवर्क, अब देखते हैं अब उसका क्या स्टेटस है। अरे भाई क्यों आ रहा है? NMCLI डिवाइस स्टेटस, डिवाइस में तो वो अभी भी मुझे शो कर रहा है, मैंने तो रिमूव कर दी ना। इन्होंने कहा NMCLI करें, डिवाइस को डिसेबल करें, डिस्कनेक्ट करें किसको? ENS 37 वाली को, और फिर उसको जो है ना वो अब स्टेटस में जाएं तो वो डिस्कनेक्टेड आ रही है। अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो क्या वो कनेक्ट हो जाएगी? वैसे तो मैंने उसकी फाइल डिलीट कर दी है। तो उसने मुझे मैसेज दिया डिवाइस ENS 3 सक्सेसफुली एसोसिएटेड विद, ये उसने मुझे बता दिया है। अब ये जो उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है ये कहां से दी है? क्या उसने कोई अपनी नई फाइल बना ली है? ls-l मैंने तो डिलीट कर दी थी, उसने खुद से बना दी क्या? चले मैंने एक काम कर लिया, NMCLI कनेक्शन शो किया और मैंने NMCLI कनेक्शन को डिलीट कर दिया ENS 37 को। अब जब डिलीट कर दिया तो मुझे उम्मीद है कि अब वो नहीं आ रही होगी, नहीं आ रही। और अब मैं कनेक्शन दोबारा क्रिएट कर रहा हूं NMCLI कनेक्शन सिर्फ वो देखने के लिए, UUID NMCLI कनेक्शन ऐड करो, कनेक्शन का नाम जो है वो क्या होना चाहिए? कनेक्शन का नाम होना चाहिए LAN, उसके इंटरफेस का नाम ENS 37 होना चाहिए और उसकी टाइप जो है वो ईथरनेट होना चाहिए। ये मैंने इसको इंटर कह दिया, जब इंटर का किया तो उसने ये फाइल जनरेट कर दी होगी यहाँ पे, जिस फाइल का किस नाम से जनरेट किया भाई? ifcfglan cat ifcfglan। तो जब मैं इंटर करता हूं तो यहां पे उसने उसका एक UUID जनरेट करके यहां पे खुद से डाल दिया। ठीक है, अगर मैंने खुद से डालना था, मैंने तो मेरे पास ऑप्शन था, मैंने UUID जनरेट की कमांड लिखी, जिस डिवाइस के लिए लिखना करना है उस डिवाइस का आगे नाम लिख दें, वो UUID उस डिवाइस के लिए जनरेट हो जाती है। तो अगर आपको इस तरह करना था तो आप ये भी कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको मेथड बता दिया कि आप इस लोकेशन पे खुद पहुंच जाएं और वहां पे ये फाइल जो ifcfglan वाली फाइल है ये आप खुद से भी जनरेट कर सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं। इसमें क्या लिखना होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर किसी जगह पर आपकी NMCLI वाली कमांड नहीं चल रही तो आप ये फाइल खुद से जनरेट कर सकते हैं। इसमें जो दो तीन इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी होती है वो कौन कौन सी होती है? एक टाइप है, एक बूट प्रोटोकॉल है, बाकी इन सब चीजों की जरूरत आपको नहीं है। एक नाम है, एक डिवाइस का नाम है, UUID भी जनरेट करने की जरूरत नहीं है,
और ये पांच चीजें आपको याद रखनी है जो आप इसमें चाहते हैं अगर कि आप ये फाइल खुद से जनरेट करें तो आप बना सकते हैं। एक उसकी टाइप आपने बतानी है ईथरनेट, एक उसका बूट प्रोटोकॉल आपने बताना है, अगर DHCP है तो DHCP और स्टैटिक है नन है तो नन, स्टैटिक है तो स्टैटिक, और नाम उसका बताना है कि कनेक्शन का नाम क्या है, डिवाइस का नाम आपने बताना है और ऑन बूट इज इक्वल टू यस। ये वो पांच लाइनें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आपने इसमें देनी है। कभी कभी होता है ना ये खुद से जनरेट नहीं हो रही होती और इसकी कोई कॉपी पड़ी हुई नहीं होती आपके पास, तो आप क्या करेंगे, तो आप ये पांच लाइनें इसमें लिख के ये कनेक्शन बना सकते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया WQ से, अगर आप इसका बूट प्रोटोकॉल DHCP नहीं रखते और आप इसका बूट प्रोटोकॉल स्टैटिक रखते हैं या नन कर देते हैं या स्टैटिक रख देते हैं तो फिर आपको इसमें क्या करना पड़ता है, मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं ताकि आप देख सकें, IPADDR इज इक्वल टू 192.168.65.101/24 IPADDR ऐसे आप लिख रहे होते हैं इसमें, और आप उसका प्रीफिक्स या नेटवर्क मास इस तरह भी दे सकते हैं, उस तरह ना दें आप तो आपने प्रीफिक्स दे दिया 24। आप इसमें गेटवे जो है वो इस तरह भी दे सकते हैं, गेटवे आपने दे दिया 192.168.65.2। आप इसमें DNS इस तरह भी दे सकते हैं 192.168.65, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं .2। आप इसमें जोन भी दे सकते हैं, जोन इज इक्वल टू, मेरा जोन कौन सा है भाई, मैंने कहा मेरा जोन है होम, तो आप इस तरह से उसमें जोन भी दे सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो आप इसमें इजिली राइट कर सकते हैं। मैंने WQ से सेव कर दिया। आपका जो प्राइमरी, आपका जो आईपी एड्रेस है, जो गेटवे है, जो DNS है, वो इस तरह से आ रहा है। और एक और चीज है जो आप इसमें दे सकते हैं, वो क्या है, मैंने जोन तो दिया ही दिया, लेकिन एक और चीज मैं चाह रहा हूं इसमें दे दूं, वो क्या है भाई, मैं चाह रहा हूं इसमें अपना DNS का सर्च नेम भी दे दूं। तो अब मुझे याद नहीं आ रहा कि DNS का सर्च नेम मुझे कैसे देना है, वो कैसे लिखना है, मुझे DNS का अपना कैसे बताना है इसमें कि भाई मेरा DNS भी यहां पर, DNS का डोमेन यहां पर आ जाए। फर्ज करें मुझे नहीं बताना आता वो, मैंने उसको कहा भाई WQ से सेव कर दो इसको और बाहर आ जाओ। अब जरा देखिएगा, सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर, सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क, ये तो एक तरीका था जो मैंने, सॉरी, ये तो एक ऑप्शन था जो मैंने कर दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं ये चाहता हूं कि नेटवर्क मैनेजर से ये मैनेज ना हो, नेटवर्क मैनेजर का कोई रोल ही ना हो इसमें। जब मैं यहां पे जाके लिखूं NMCLI कनेक्शन शो, तो उस कनेक्शन के अंदर इस लैन का नाम ना आ रहा हो, मैं ये चाहता हूं कभी कभी। या मैं चाहता हूं कि जब मैं NMCLI डिवाइस स्टेटस लिखूं तो यहां पर ऐसा आ रहा हो, इस ENS 37 के आगे ये लिखा आ रहा हो अनमैनेज लिखा हुआ रहा हो। तो अगर आप ये चाहते हैं कि नेटवर्क मैनेजर आपके नेटवर्क इंटरफेस को डिस्टर्ब ना करे और वो मैन्युअली मैनेज हो, तो आप इफ CFG लैन में जाएं और यहां पे आखिर में जाके सिर्फ एक चीज और लिख दें, और वो क्या है भाई, आप लिखा NM_CONTROLLED कंट्रोल इज इक्वल टू नो, नेटवर्क मैनेजर को कंट्रोल करने नहीं देना इसको, ये इंटरफेस मैं चाहता हूं कि मैं मैन्युअली मैनेज करूं। NM कंट्रोल की स्पेलिंग उन्होंने कहा ठीक नहीं है, तो कंट्रोल की स्पेलिंग मैं करना, यार कुछ तो दिखाने दिया करो ना यार। मैंने सिस्टम CTL रीस्टार्ट किया, पहले किया नेटवर्क मैनेजर, और जब नेटवर्क मैनेजर कर दिया तो अब मुझे नेटवर्क की सर्विस को रीस्टार्ट करना था, मैंने रीस्टार्ट किया नेटवर्क को, मैसेज देखें
मेरे पास कुछ आता है क्या? सर्विस मैंने, सॉरी सर्विस कह रहा हूं, पैरामीटर मैंने गलत दिया है। क्या पैरामीटर दिया है? या आपने खुद से देख लिया था मैंने उसे क्या पैरामीटर दिया है? मैंने उसे दिया है, यहां पे मुझे लिखना था एनएम कंट्रोल इज इक्वल टू नो, तो मैंने पैरामीटर दिया गलत, उसने मेरे पैरामीटर को एक्सेप्ट कर लिया, उसने मुझे कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया जिस मैसेज से मैं ये समझूं कि मेरा कोई प्रॉब्लम है। दोनों सर्विसेज मेरी रिस्टार्ट हो गई हैं, दोबारा आया एनएमसीएलआई डिवाइस का स्टेटस लेने के लिए, वो डिवाइस अनमैनेज लिखा हुआ नहीं आ रहा। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे अनमैनेज लिखा हुआ आएगा, लिखा हुआ नहीं आया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर मैं दोबारा जाऊंगा यहां पे और जब तक मैं एनएम कंट्रोल इज इक्वल टू नो नहीं करूंगा, एनएम कंट्रोल इज इक्वल टू नो नहीं करूंगा और सर्विसेज रीस्टार्ट नहीं करूंगा, उस वक्त तक मेरा वो जो पैरामीटर मैं चाह रहा हूं कि आ जाए लिखा हुआ, वो नहीं आएगा। अभी पहले भी आपने एनएम सीएलआई डिवाइस का स्टेटस देखा था और अब मैं दोबारा डिवाइस का स्टेटस आपको दिखा रहा हूं, तो आपके सामने डिवाइस के स्टेटस में क्या आ रहा है भाई? ईएनएस 37 अनमैनेज आया है। और ये अनमैनेज किस वजह से आया है? कि मैं उसके अंदर जो पैरामीटर लिख रहा था वो मैंने पहले गलत लिखा था, स्पेलिंग सही नहीं थी। अब स्पेलिंग सही है तो पैरामीटर सही होने की वजह से वो अनमैनेज लिखा हुआ आ गया। अब एक क्वेश्चन है और वो ये है कि मुझे इसमें क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मुझे कैसे पता चलेगा? क्या इसकी भी कोई हेल्प वेल्प होती है? इसकी भी कोई ऐसी फाइल होती है जिससे मुझे यह पता चल जाए कि नेटवर्क मैनेजर से कंट्रोल ना करने के लिए एनएम अंडरस्कोर कंट्रोल लिखना है, यह मुझे कहां से पता चलेगा? क्या इसकी भी कोई फाइल वाइल होती है? मैंने यहां पे लिखा है मैन माइनस के इफ सीएफजी, मैन माइनस के, मुझे नहीं पता कि कौन सी फाइल होती है, तो मैंने कहा मैन माइनस के इफ सीएफजी, एंटर किया तो उसने मुझे क्या बताया भाई? उसने कहा अगर आप मैन करेंगे इफ सीएफजी को तो शायद आपको मिल जाए। मैन करें आप उसमें, मैन करें इफ सीएफजी को, शायद आपको वो मिल जाए जो आप देखना चाह रहे हैं। तो मैंने मैन किया और इंटर कर दिया और उस पर फिर मैंने कहा कहीं पे लिखा हुआ है एनएम अंडरस्कोर सीओएन, कुछ लिखा हुआ इसमें? बस इतनी सी बात लिखी हुई है और बाकी कोई काम लिखा हुआ नहीं है। हैं? कहीं कुछ लिखा हुआ है? बस एक चीज लिखी हुई है सी ऑल्सो आईपी कमांड रेफरेंस, पता नहीं उसमें भी हो नहीं हो, होता है वैसे। मैन इफ कन्फिग लिखा है मैंने और उसमें मैं चला गया, मैंने कहा शायद इसमें कहीं पे लिखा हुआ हो लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इसमें भी कहीं पे लिखा हुआ होगा। वो एमएन मैन फाइव इफ सीएफजी, इसने कहा भाई मैन फाइव करके देख लें इफ सीएफजी का, तो कुछ भी नहीं, अगर होता तो यहां पे आ जाता ना मैन के करने में। एक फाइल होती है, मुझे मैं याद कर रहा हूं, जोर दे रहा हूं अपने दिमाग पे, एक फाइल होती है जो लिखी होती है यूएसआर के अंदर, शेयर के अंदर, मेरा ख्याल है कि मैं उसको ढूंढ लूंगा, डॉक के अंदर, और डॉक के अंदर डॉक के अंदर नेटवर्क है कहीं, वहां पे नेट टूल्स हैं, नेट टूल्स में नहीं, यूएसआर शेयर के अंदर, यूएसआर के अंदर शेयर के अंदर, यार एक टेम्पलेट के नाम की एक फाइल होती है। खैर अभी मुझे याद नहीं आ रही, वैसे मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो, अच्छा एक ऑप्शन मुझे दिखा रहा था ना उसको भी चेक कर लेते हैं, जो बोल रहा था कि आप मैन करें फाइव करें और नेटवर्क एनएम सेटिंग इफ सीएफजी वाले ऑप्शन को कॉपी पेस्ट कर लें, तो मैं उस ऑप्शन के ऊपर जा रहा हूं और उसमें देख रहा हूं
कि क्या उसमें कोई ऐसी चीज है, एन एम अंडर स्कोर लिखा है मैंने, पहुंचा दिया उसने मुझे वहां पे, मैन माइनस के ने मुझे पहुंचा दिया, उसने बता दिया कि एन एम अंडर स्कोर कंट्रोल का क्या मतलब होता है, वो मुझे वहां से पता चल गया। मैं अगर अपनी अकल नहीं लगाता और मैं वहीं पे जाता और वहां जाके मैं सिंपल सा मैन के किया था, मैंने इफ सीएफजी वाली फाइल थी उसी को मैं मैन कर लेता फाइव के साथ, जो उसने मुझे बता भी रखा था कि आप ये कर लो, तो मैं उसको अगर कर लेता तो मुझे पूरा पता चल जाता कि जनाब इस फाइल का फॉर्मेट क्या है और उस फाइल के अंदर क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, कैसे लिखी जाती हैं। सिंपल डीएचसीपी इथरनेट कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉपी पेस्ट करूं सिर्फ यहां से सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, ब्रिज की कैसी होती है, बॉन्ड की कैसे होती है, टीम की कैसे होती है, ये सारी मुझे यहां से पता चल रही है। और ये वो चीजें जो आपको एग्जाम में करनी होती हैं, वो सब मुझे यहां से पता चल रही हैं कि अगर आपको फाइल के अंदर जाके क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो आपको सारी चीजें यहां से पता चल जाएंगी। तो आपको मैंने बताया था ना, लिनक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम आना चाहिए और वो है मैन करना। अगर आपको मैन करना आता है तो जो चीज भी आपको नहीं आती, जो आपको सर ने नहीं बताई, वो भी आपको पता चल जाएगी। अब नेटवर्क मैनेजर से कंट्रोल करने का ऑप्शन था, मैंने लिख दिया, आपने मुझसे पूछा सर ये क्या होता है, आपने कहा यार ये इससे जो है ना वो यूं हो जाता है। आपको बात दफा जरूरी थोड़ी है आपको मेरी हर बात में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं, अगर मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा तो आप क्या करेंगे, आपके पास क्या ऑप्शन है? तो आपके पास यही ऑप्शन है कि आप जो है वो आपने मैन किया, उस ऑप्शन को आपने देख लिया कि क्या इसका यस और नो करने का मतलब यही होता है, वो आपको पता चल जाएगा। खैर अब मुझे इसमें जो है वो क्या करना है, मैंने काफी इसके अंदर जो है वो आपको बता दिया, ये अनमैनेज है, अब ये मैनेज नहीं हो रहा। अगर आपको इसको दोबारा मैनेज करवाना है तो आप वीआई करके जाएं ईटीसी, आप वहां पे मौजूद हैं, इफ सीएफजी लैन के अंदर चले जाएं और लैन में जाके आप इस लाइन को रिमूव कर दें तो आपका मसला हल हो जाएगा और ये दोबारा से जो है वो, अब देखें जरा, मैंने कमांड लिखी है एनएमसीएलआई डिवाइस को डिस्कनेक्ट करो, कौन सी वाली डिवाइस को, उसका नाम क्या है, ENS37 को, और उस डिवाइस को दोबारा से कनेक्ट कर दो। तो मैं जब जाके देखूंगा तो मेरी डिवाइस के स्टेटस में कुछ नहीं आ रहा, मैंने कहा सिस्टम सीटीएल में जाओ, रीस्टार्ट करो नेटवर्क मैनेजर और रीस्टार्ट करो नेटवर्क। तो अब मेरा ख्याल है कि वो मुझे शो कर देगा, उसने मुझे शो कर दिया। अच्छा, इसके ऊपर आईपी मैंने क्या लिखी है भाई, इस इंटरफेस के ऊपर आईपी कौन सी है, आईपी एड्रेस शो ENS37 के ऊपर आप देख रहे हैं। इसके ऊपर आईपी वर्जन 6 की जो आईपी सेट है वो है 192.168.65.101/24, ये आईपी इसके ऊपर है। और दूसरी एक मशीन है उसके ऊपर क्या आईपी है भाई, उसको भी देख लेते हैं, वो हो सकता है कि आपको सही नजर ना आ रहा हो, लेकिन अगर सही नजर आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने यहां पे क्या लिखा है, एनएमसीएलआई कनेक्शन ऐड करो, कनेक्शन का नाम क्या होगा, कनेक्शन का नाम है लैन, इंटरफेस का नाम क्या है, इंटरफेस का नाम है ENS30, एनएमसीएलआई डिवाइस स्टेटस, हाँ 37 ही है। तो मैंने कहा एनएमसीएलआई कनेक्शन ऐड करो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, तीन भी लिख दें तो काफी है, कनेक्शन का नाम क्या है, मैंने उसको कह दिया लैन है, इंटरफेस का नाम क्या है, ENS37 है, और उसके बाद क्या लिखते हैं, टाइप क्या है, ईथरनेट है, और उसके बाद क्या लिखते हैं, जोन कौन सा है, जोन कौन सा है, वो ऐसे भी लिख सकते हैं आप कनेक्शन डॉट जोन, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं जोन कौन सा है भाई, मैंने कह दिया होम है। जो जो पैरामीटर देने वो आप यहां पे भी दे सकते हैं, और वो ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने इसको इंटर कर दिया, जब कनेक्शन बन गया तो मैंने कहा एनएमसीएलआई कनेक्शन को मॉडिफाई करो, क्या मॉडिफाई करो, क्या नाम है कनेक्शन का, लैन, और उसका आईपी वर्जन 4 का एड्रेस क्या रखना है, वो मैंने उसको बता दिया
192.168.65.101 वहां रखा था, 102 यहां पे रख दिया /24 के साथ। और उसके अलावा कोई और एंट्री करनी है? हाँ बिल्कुल करनी है। इसमें बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, इससे पहले मैं ये एंट्री कर दूं आईपी वर्जन 4. क्या होता है भाई? डॉट मेथड। हाँ आईपी वर्जन 4. मेथड। अच्छा चूंकि मैं सीएलआई मोड में हूं ना, तो सीएलआई मोड में ये मुझे ये वाला ऑप्शन नहीं देता। कौन सा वाला दिखा रहा हूं मैं आपको, अगर मैं कहूंगा ना एनएमसीएलआई कनेक्शन, अब उसके आगे के ऑप्शन क्या है वो दिखाएगा नहीं। जब अगर ऐसा करे कि वो आपको आगे के ऑप्शन ना दिखाए, तो उसके लिए हम लिनक्स में एक टूल इंस्टॉल करते हैं। उस टूल का नाम है, मैं ये देख लूं कि सीडी लगी हुई है, नहीं लगी हुई, नहीं लगी हुई, माउंट करो /डिवाइस /CD-ROM/मीडिया, सीडी करके मीडिया में जाओ, नजर आ रहा है भाई, सीडी करके पैकेजेस के फोल्डर में जाओ, एक पैकेज होगा उसका नाम होगा RPM-IVH BASH बैश कंप्लीशन। ये एक पैकेज है जिसका नाम है बैश कंप्लीशन। ये मैंने इंस्टॉल कर लिया, इसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जब मैं लिखूं NMCLI और आगे टैब प्रेस करूं तो मुझे आगे के ऑप्शन दे। वो कह रहा है आगे के तो बहुत सारे ऑप्शन है, इसका मतलब है अभी भी नहीं दे रहा NMCLI कनेक्शन, तो अभी भी नहीं दे रहा। एग्जिट किया, दोबारा लॉग इन किया, अब चेक करता हूं NMCLI कनेक्शन अब आ गया। एड क्या ऑप्शन आ गया आने, वो सब ऑप्शन बताएगा, कनेक्शन ऐड करना है या मॉडिफाई करना है। मैंने कहा मॉडिफाई करना है, क्या लिख कौन से कनेक्शन को मॉडिफाई करना है, आगे बता रहा है। मैंने कहा लैन वाले कनेक्शन को, हो सकता है आपको स्क्रीन पर नजर ना आ रहा हो, मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूं। NMCLI टैब प्रेस करूंगा तो उसके आगे के ऑप्शन देगा कनेक्शन, उसके आगे के ऑप्शन देगा मॉडिफाई, उससे आगे के ऑप्शन देगा कौन सा वाला कनेक्शन लैन, क्या मॉडिफाई करना है। कह रहा है 231 पॉसिबिलिटीज हैं। मैंने कहा तुम पॉसिबिलिटीज मेरे सामने ना रखो, मुझे आईपी वर्जन 4. अब कौन कौन से ऑप्शन है जो मैं लिख सकता हूं, उसमें आपको एक ऑप्शन नजर आएगा आईपी वर्जन 4. मेथड, उसमें आपको आईपी वर्जन 4. एड्रेस भी नजर आएगा, सारे नजर आएंगे। तो मैं मेथड में चला गया, अब मेथड की सही वैल्यू क्या होगी, मैंने यहां लिख दिया PAPPU पप्पू लिख दिया, तो मुझे क्या कह रहा है, मुझे कह रहा है भाई पप्पू कोई वैल्यू नहीं है यार, कह रहा है ये नॉट अमंग, इनके दरमियान में से कोई भी वैल्यू नहीं है। तो आपको सही क्या है, ये सही है, आपको पता चल गया क्या सही है क्या डालना चाहिए। तो मैंने आईपी वर्जन 4 के मेथड की जो वैल्यू है वो क्या है, पप्पू नहीं है, गलत वैल्यू डाली तो उसने मुझे सही बता दी, ये है। अब जब मैंने मैनुअल कर दिया तो उसके बाद इंटर कर रहा हूं, देखिएगा जरा मैसेज क्या आ रहा है, कह रहा है जब भी तुम मैनुअल करते हो तो भाई आईपी भी तो देना चाहिए, बगैर आईपी के नहीं बढ़ेगा आगे, मॉडिफाई नहीं होगा। अब तुम्हें एक और पैरामीटर जो कि उसकी डिपेंडेंसी है आईपी वर्जन 4 का एड्रेस, ये आपको देना पड़ेगा। और आईपी वर्जन 4 के एड्रेस की वैल्यू क्या होगी, बोला वो तो आपको मालूम है 192.168.65.102/24 ये उसकी वैल्यू है। अगर आप कुछ और देना चाहें आईपी वर्जन 4 से रिलेटेड ही, तो कह रहा है आप ये सारी चीजें दे सकते हैं, उसका सारी इंफॉर्मेशन है जो आप दे सकते हैं। तो मैंने कहा उसमें एक ऑप्शन है डीएनएस सर्च का, आईपी वर्जन 4.DNS-search का एक ऑप्शन है, मैं वो देना चाहता हूं। इसमें हम अपना example.com अपने डोमेन का नाम देते हैं, वो मैंने दे दिया। जब मैं इसको एंटर कर दूंगा तो आप उस फाइल को जाके देखिएगा जो फाइल इसने क्रिएट की होगी /etc/sysconfig /network-script में /ifclg/lan/lan करके, जब आप उसमें जाएंगे और देखेंगे तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कहीं पे डोमेन का, सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है domain=example.com, ये आपके पास आ रहा है। क्यों आ रहा है ये, कि आपने उसके अंदर जो है वो आपने उसमें ये एंट्री की है, लाइन नंबर 44 पे, लाइन नंबर 32 पे आपने कनेक्शन बनाया, लाइन नंबर 32 पे कनेक्शन बनाने के बाद फिर आपने बैश कंप्लीशन का एक पैकेज इंस्टॉल कर लिया, क्योंकि वो आपको ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन नहीं दे रहा था, हिंट्स नहीं दे रहा था वो आपको। फिर आपने कनेक्शन को मॉडिफाई किया,
उसका आईपी वर्जन 4 का मेथड मैनुअल कर दिया, उस पर आईपी वर्जन 4 का एड्रेस लगा दिया, उस पर डीएनएस सर्च लगा दिया, जो जो ऑप्शन आप लगाना चाहें वो सारे यहां पे मौजूद हैं। मुझे उसका जोन चेंज करना है, कैसे करूंगा? स्क्रीन पे देखें, एनएमसीएलआई कनेक्शन को मॉडिफाई करो। कौन सा कनेक्शन मॉडिफाई करना है? जिसका नाम है लैन, और उसकी क्या चीज मॉडिफाई करनी है? मैंने यहां पे पाइप लगाया और ग्रैब किया, ऐसे नहीं आएगा। कनेक्शन को शो करो, कौन सा कनेक्शन? लैन। उसमें क्या क्या ऑप्शन है? ग्रैब करो जेड ओ एन ई जोन, माइनस आई लगा दिया है। इसका मतलब यह है कि मैं चाहता हूं कि वो इंटरेक्टिव हो, इंटर कर दिया। तो कह रहा है अगर आप चाहो तो कनेक्शन का जोन आप इस तरह दे सकते हो, जर्नल जोन, जर्नल डॉट जोन और कनेक्शन डॉट जोन, ये दो वैल्यूज हैं। तो अगर आपको अपने सिस्टम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, उस अपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में कोई मॉडिफिकेशन करनी है, कनेक्शन को मॉडिफाई करो लैन वाले, और उसके कनेक्शन का जोन क्या कर दो। भाई क्या क्या ऑप्शन है मुझे मालूम नहीं है, तो मैंने आगे टैब प्रेस किया, कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने ऐसे ही कराची लिख दिया जोन, क्या जोन का नाम लिख दिया, कराची। तो उसने बोला अच्छा ऐसा है, तो बोला भाई आप जाके देखो आपकी जोन का नाम मैंने क्या कर दिया है, सिस कन्फिग ईटीसी सिस कन्फिग नेटवर्क डैश स्क्रिप्ट इफ सीएफजी लैन। लैन के कनेक्शन का जोन क्या है भाई, जरा आप देख लो यहां पे, कमांड लाइन काम कर रहा हूं। उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा, बस उसने बोला जो आपने जोन का नाम रख दिया है वो आपका जोन हो गया। अब अगर ये जोन आपने यहां पे रख दिया और ये आपकी फायरवॉल में नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम करेगा, जाहिर है, लेकिन ये आप इसका जोन जो है सेट कर सकते हैं जो भी आप चाहें। जो जोन आपने बना रखा होगा वो जोन आप सेट कर सकते हैं। क्या मैं इसको पिंग कर सकता हूं? चेक कर लेता हूं अपनी दूसरी मशीन को, अभी चेक हो जाएगी। पीआईएनजी पिंग 192.168.65. क्या आईपी था उसका? 101 इसका अपना है, ये अपने आप को तो पिंग कर रहा है। 102 जो है वो किसका है? पिंग नहीं कर रहा, 102 लिखा आ रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। मैंने कहा कि पिंग क्यों नहीं कर रहा, क्या ये अपने आप को पिंग कर रहा है? इन्होंने कहा उसमें डीएनएस की एंट्री नहीं की, तो डीएनएस की एंट्री से कोई ताल्लुक है पिंग का क्या? उसका आईपी है यार, 65.177 उसका आईपी, और मैं पिंग किसको कर रहा हूं? 65.177 उसका आईपी है, क्या पिंग कर रहा है? तो उसने कहा 65.177 को पिंग कर रहा है। तो 65.177 उसका आईपी कैसे हुआ? वी आई ईटीसी सिस्कन्फिग नेटवर्क डैश स्क्रिप्ट, अगर मैंने उसमें रखा होगा इफ सीएफजी LAN LAN, अगर मैंने उसमें रखा होगा आईपी क्या रखा हुआ है? 65.102 रखा हुआ है, और पिंग कर रहा है वो 177 पे। उसकी वजह ये है कि मैंने ये चेंज करने के बाद अपने सिस्टम के अंदर कौन सी सर्विस रिस्टार्ट नहीं की होगी। अगर इसमें लिखा होता NM control is equal to no, तो फिर मैं यहां पे कौन सी सर्विस स्टार्ट करता? सिर्फ नेटवर्क की स्टार्ट करता। चूंकि इसमें यह नहीं लिखा हुआ तो इसलिए मैं नेटवर्क मैनेजर की भी सर्विस स्टार्ट की मैंने, और उसके बाद फिर मैंने नेटवर्क की भी सर्विस रीस्टार्ट कर दी, और अब मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जो आईपी एड्रेस आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा? 102, और ये 102 को पिंग कर रहा होगा। तो अगर मैं यहां से जाके 102 करता हूं तो इसको चाहिए कि 102 को पिंग करे। किसी मशीन के ऊपर अगर आप देखेंगे आईपी एड्रेस शो, किसी के ऊपर जो ENS 37 के ऊपर जो आईपी वर्जन 6 का एड्रेस लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है? FE80।
FE80, मुझे इसके ऊपर IP वर्जन 6 का एक एड्रेस लगाना है। उस एड्रेस को लगाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखें, दोनों मेथड यूज करूंगा। NMCLI कनेक्शन को मॉडिफाई करो, कौन से वाले को, जिसका नाम है LAN, उस पर क्या करना है, उस पर IP वर्जन 6 डॉट एड्रेस क्या एड्रेस होगा IP वर्जन 6 का, ये मैंने सिंगल कोट में दे दिया, FD FD 11:01/64, ये उसका IP वर्जन 6 का एड्रेस है। उसके अंदर जो है वो सबनेट, उसमें जो है चूंकि क्लासेस नहीं होती इसलिए उसमें सबनेट्स भी नहीं होते, तो मैंने उसमें जो एड्रेस दिया है वो एड्रेस मुझे किसने दिया था, वो एड्रेस मुझे रेडिट ने दिया था कि भाई अपने एड्रेस, अपने कनेक्शन को मॉडिफाई करो और उसके ऊपर ये वाला एड्रेस डाल दो। आईपी वर्जन 6 का ये एड्रेस है जो मैंने दिया है। और इसके अलावा एक और चीज जो मैंने यहां पे देखी है और वो क्या है, आईपी वर्जन 6 का एड्रेस देने से पहले आईपी वर्जन 6 का मेथड भी मैं जो है वो चेंज कर दूं, और क्या कर दूं, मैनुअल कर दिया मैंने। आईपी वर्जन 4 का जिस तरह मेथड मैनुअल किया था, इस तरह आईपी वर्जन 6 का भी मेथड मैनुअल कर दिया, और आईपी वर्जन 4 का जिस तरह एड्रेस दिया था उस तरह आईपी वर्जन 6 का भी मैंने एड्रेस दे दिया। आईपी वर्जन 6 का DNS देना है, आईपी वर्जन 6 का DHCP देना है, गेटवे देना है, DNS सर्च कराना है, जितनी इन्फॉर्मेशन देनी है वो सारी की सारी आप दे सकते हैं यहाँ पे। आईपी वर्जन 6 का राउट देना है आपने, वह सब आप दे सकते हैं। मैंने इसको एंटर किया, जब एंटर किया और आईपी एड्रेस शो करके देखा LAN का, आईपी 6 एड्रेस में लिखूं शायद यहां पे तो आ जाएगा, बल्कि वैसे भी आ जाएगा, कह रहा है LAN डज नॉट एग्जिस्ट, आईपी एड्रेस शो ENS 37, अब आएगा एड्रेस क्या आ रहा है भाई, एड्रेस तो वही आ रहा है, मैंने तो यहां पे एड्रेस चेंज कर दिया लेकिन एड्रेस क्यों नहीं आया अभी तक, रिफ्लेक्शन क्यों नहीं हुई। मैंने कहा सिस्टम CTL रीस्टार्ट करो, नेटवर्क मैनेजर की सर्विस, और अब मैं चेक करता हूं क्या रिफ्लेक्शन हो गई, वो कह रहा अभी भी रिफ्लेक्शन नहीं हुई। तो मैंने कहा भाई नेटवर्क मैनेजर की सर्विस तो स्टार्ट की आपने, सिंपल नेटवर्क भी कर दो और उसके बाद फिर मैं देखता हूं कि क्या रिफ्लेक्शन हुई है कुछ, चेक करते हैं। उसने एक एड्रेस था जो इसके ऊपर लगा दिया FD FD 11:01/64, ये आईपी वर्जन 6 का उसने एड्रेस जो है उस मशीन के ऊपर लगा दिया है, लिंक लोकल एड्रेस अभी भी मौजूद है। जब मैं जाऊंगा दूसरी मशीन पे और वहां पे भी मुझे उसी क्लास का एड्रेस लगाना है तो कैसे करूंगा, NMCLI कनेक्शन शो, LAN के नाम से कनेक्शन बना रहा है, NMCLI कनेक्शन को मॉडिफाई करो जिसका नाम है LAN, उसमें क्या चीज मॉडिफाई करनी है, आईपी वर्जन 6 का मेथड चेंज करना है, और वो मेथड क्या है उसको हम मैनुअल भी कर सकते हैं, उसको हम स्टैटिक भी कर सकते हैं। और उसके बाद आईपी वर्जन 6 का मैंने एड्रेस दिया, वो एड्रेस कैसा होगा, वो एड्रेस होगा सिंगल कोट में दे रहा हूं मैं, FD 11:02/64, ये मैंने इसका एड्रेस दे दिया। और अब मुझे उम्मीद है कि जब मैं सिस्टम CTL रीस्टार्ट करूंगा नेटवर्क मैनेजर को, और उसके बाद नेटवर्क की सर्विस को, तो ये मेरे पास काम करेगा। काम कैसे करेगा, उसका तरीका बहुत सिंपल सा है, मैं लिखूं पिंग 7 मिला के 6 और आईपी दे दूं उसकी FD 11:01, जिस पे मशीन पे मौजूद हूं उसका 2 है और मैं जिसको पिंग करने जा रहा हूं उसका 1 है, तो मैंने 1 लिख के एंटर किया है, देखें मैसेज क्या आता है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो इसको पिंग करेगा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये उसको पिंग करेगा। इसका अपना आईपी वर्जन 6 का एड्रेस क्या है, आईपी 6 एड्रेस शो, कह रहा आईपी 6 एड्रेस शो की कमांड नहीं है, आईपी एड्रेस शो पाइप लगा के ग्रैप INET 6, या आईपी एड्रेस शो LAN पाइप लगा के ग्रैप INET 6, तो मुझे LAN नहीं है, ENS 37, तो वो बता रहा है आपके पास जो इस एड्रेस, इस इंटरफेस के ऊपर जो एड्रेस लगा हुआ है वो है FD 11:01, अगर आप यहां से पिंग 6 करते हैं
FD11:2 को, तो इसको चाहिए यहां से पिंग करें। ये पिंग भी कर रहा है। अगर मुझे सिर्फ पिंग नहीं करना, रिमोटली कनेक्ट करना है, SSH लेना है, तो वो भी ये करेगा। अब मैं अपनी विंडोज की मशीन के ऊपर इस पे IPv6 लगा रहा हूं, जरा देखिएगा। अपनी विंडोज की मशीन पे गया ताकि वो विंडोज से भी पिंग हो सके। अभी तो पिंग नहीं हो रहा है ना। अभी अगर मैं CMD करूंगा तो विंडोज में पिंग कैसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं ping6 FD11:1 को पिंग करो, तो पिंग का मैसेज दे रहा है, पिंग -T6 ऐसा, सिर्फ 6 ऐसा कह रहा है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल। तो मैंने कहा कि अभी मैं इसके ऊपर IPv6 का एक एड्रेस लगा देता हूं, ताकि कहां लगाऊंगा वो देखें। ईथरनेट में गया, एडॉप्टर सेटिंग्स में गया, VMNet1 में गया, इसकी प्रॉपर्टी में गया, यहां पे IPv6 को डबल क्लिक किया और उस पर एक एड्रेस लगा दिया। वो एड्रेस क्या है, FD11:3 लगा दिया /64, ये प्रीफिक्स इसके अंदर नीचे लगा दिया और उसके बाद ओके कर दिया। वही कमांड जो मैं लगा रहा था और वो काम नहीं कर रही थी आपके सामने है। अब उसको चाहिए कि वो काम करे, उसको चाहिए कि वो 2 को भी पिंग करे, और उसको चाहिए कि वो यहां से जब मैं पटी करूं, किसको किस तरह पटी करूं, FD11:FD11:1 को पटी करे, पोर्ट 22 ही रहेगी। ओपन करो, यस करो, रूट करो, रेडेट करो, तो उसने मुझे लॉगिन कर दिया। ये आप यहां से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, कमांड देखें जरा, W हु करके लिख लें या W करके लिख लें, बात देखिए। वो आपको कैसे दिखाएगा, वो आपको ये दिखा रहा, वो बता रहा है इस मशीन से IPv6 का ये एड्रेस है, इसने आपको रिमोट कनेक्ट किया है, SSH किया है IPv6 के एड्रेस के ऊपर। अब मैं समझता हूं कि आप जो है वो ब्रेक नहीं, ब्रेक कहां से। अब आप IPv6 की प्रैक्टिस की, IPv6 कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस की जो है वो ये भी कर सकते हैं, और आप IPv6 का जो है वो नहीं है, हाँ दे दूं बस। आपने दो लैब्स, आपने तीन चीजें करनी है, एक IPv6 की प्रैक्टिस करनी है कॉन्फ़िगरिंग की, और एक IPv4 की कॉन्फ़िगरिंग की करनी है, 51 के ऊपर या 31 के ऊपर, और 43 या 63 के ऊपर। ये ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में 200% आता है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये एग्जाम में नहीं आए। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन IPv6 की कॉन्फ़िगरेशन,